हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो हम जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि आज है श्रावण का चौथा सोमवार और हमने फास्ट रखा है, इसलिए हम पहले मंदिर जाएंगे फिर घर जाकर फास्ट खोलेंगे। मम्मी ने खाना बनाया, देखते हैं मम्मी ने क्या बनाया आज। मम्मी ने पूरी, आज द्वादशी भी है इसीलिए हमने लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए चावल भी बनाए हैं, साथ में बनाए हैं दाल अरहर की। और बनाए हैं करेले और ये रायता बनाया है। तो फ्रेंड्स, हमने कान्हा जी का ऑलरेडी भोग लगा दिया, मैं और मेरा भाई फास्ट खोलेंगे अपना, तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम मैंने और मेरे भाई ने अपना फास्ट खोल लिया है और देखिए रात का समय हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे की शूटिंग है। उस दिन हम व्लॉग शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि मैं और भाई बिजी हो गए थे अपनी स्टडीज में, तो इस वजह से। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। देखिए फ्रेंड्स, अपराजिता की बेल कितनी बड़ी हो गई है, हमने ना इस पे रस्सी पे आगे बढ़ा दिया इसे। पहले क्या हो रहा था, जब हमने रस्सी पे नहीं चढ़ाई थी तो ये सारे में चारों तरफ फैल गई थी एकदम ज़मीन पे, तो पापा जी ने इसे रस्सी पे ऐसे चढ़ा दिया है। देखिए फ्रेंड्स, कितना सुहाना मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और हल्की हल्की धूप भी निकल रही है, बहुत तेज़ लग रही है भूख। देखते हैं नीचे मम्मी क्या बना रही हैं आज, चलिए चलते हैं। बहुत गर्मी होने लग गई इसलिए ना हमने अपनी किचन में ना फैन लगा रखा है। मम्मी आज बना रही हैं वड़ा पाव, इसलिए मम्मी ने कर दी है वड़ा पाव की तैयारी और बनेंगे सूखे आलू। तो ये सूखे आलू के लिए हमने धनिया मिर्ची काट दी है। ये वड़ा पाव के लिए मम्मी ने हरी चटनी बनाकर तैयार कर दी है। यहाँ पर आलू बॉईल होने के लिए रख, देखिए पाव का पैकेट। यहाँ पर सूखे आलू बनकर तैयार हो गए हैं हमारे। देखिए ये हमने वड़ा पाव के लिए बड़े की तैयारी कर ली है। यहाँ पर हमने आलू की पिट्ठी बनाकर तैयार कर ली है। ये रहा बेसन, इसे हम घोलेंगे और ये हरी मिर्च में हमने चीरा लगा दिया। अब हम इनकी बॉल्स तैयार कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें मोटिवेट करें।